जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के रिजल्ट के बारे में। एसएससी जीडी का रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है, क्या रीजन है रिजल्ट लेट होने का और कब तक आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बताएंगे रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है। पहले वो तीन चार कारण है और रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है, और एक दो रीजन और बताएंगे किसके, एसएससी के वेरिफिकेशन के। ठीक है, तो हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट के बारे में पहले बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं आप सभी को कि आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे इंस्टा आईडी पर जाकर वहाँ से हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट बॉक्स में हमने डाल दिया। ठीक है, हम बात करते हैं किसके, अब रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट के तीन चार कारण हैं। पहला कारण कौन सा है, जैसे बच्चों ने, कई सारे बच्चे हैं जो तो ऐसा चाहते हैं कि हम अपने स्टेट से फार्म भर दें, दूसरे अदर स्टेटों से फार्म भर दें, अदर रीजन से फार्म भर दें, और जिससे हमारा वहाँ से सिलेक्शन हो जाए, अपने स्टेट से सिलेक्शन नहीं हो। मतलब कि दो, एक से अधिक जगह से फार्म भरना, वहाँ पर एग्ज़ाम देना, इसको वेरीफाई कर दिया एसएससी, इसमें टाइम लग रहा है। एक कारण ये होगा क्योंकि कई सारे व्यक्ति हैं जो यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, कहीं के भी हैं, वो अपने यहाँ से भी फार्म भर दे रहे हैं, एक दूसरी जगह से फार्म भरते हैं, दोनों जगह से एग्जाम दिया है तो वहाँ पर वेरीफाई किया, जिसके लिए मैंने कल एक वीडियो डाली थी, देख सकते हैं, ये वीडियो है, कल मैंने ये वीडियो डाली थी। और लेटर भी दिख रहा होगा आपको, ये लेटर आए हैं घर पे भाई, मुझे जो लड़कों ने भेजे हैं लेटर, इसलिए मैं बताता हूँ। एक और भाई का कमेंट आ रहा था, आज ही कमेंट आया है, सर ये आप फेक वीडियो बना रहे हो, किसके लिए, कि व्यू प्राप्त करने के लिए, कि सर ऐसे लेटर कुछ नहीं आते हैं, ये आप उल्लू बना रहे हो। भाई ये लेटर आए हैं, जिन जिन के पास नहीं आए हैं वो कुछ दिनों बाद आएंगे, जब तक भर्ती चलेगी जब तक ये एसएससी लेटर देती रहेगी, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, एक रीजन तो यह मेन रीजन यही है कि इसके वजह से एसएससी लेट कर रही है। क्यों, क्योंकि ऐसे इस प्रकार के बच्चों को अलग अलग छांट लेगी, उनका रिजल्ट देना ही नहीं है, उनको बैन कर दिया जाएगा 5 से 7 साल के लिए। ठीक है, फिर आगे क्या करेगी एसएससी, फिर जो बच्चे बचेंगे मतलब कि सही बच्चे हैं जिन्होंने एक ही बार एग्जाम दिया, एक ही जगह से एग्जाम दिया है, फिर उनका रिजल्ट देगी लगभग। ठीक है, जिनको नहीं आया उनको आएगा लेटर, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक, आगे बात करें दूसरा रीजन क्या है, दूसरा वैकेंसी बढ़ने का रीजन है, कि जो वैकेंसी बढ़नी थी इसलिए रिजल्ट रोक रखा है। एक चीज़ हो सकता है क्योंकि वैकेंसी कितनी हो गई है, 26,000 से बढ़ के 46,000 वैकेंसी हो गई हैं, 26,000 से बढ़ के 46,000 वैकेंसी हो गई हैं, मतलब कि जो 26,000 वैकेंसी थी 46,000 हो गई, 20,000 वैकेंसी बढ़ चुकी हैं, एक रीजन है। और तीसरा रीजन क्या है, अभी फिजिकल के लिए कोई कंपनी, मतलब कि कंपनी तय नहीं हुई, मतलब कि अभी फिजिकल के लिए आपका पता है बिड डेट चल रही है, मतलब टेंडर पास नहीं हुआ है, अभी 26 लास्ट है, 26 के बाद और भी बढ़ सकता है। अभी टेंडर की डेट कितनी है, 26 है, 26 तारीख को टेंडर खुलेगा, कौन सी कंपनी को मिला है, क्या है, किस प्रकार से फिजिकल होना है, वो फिर उस पर बात होगी, इस पर भी आगे इसके लिए भी लेट हो रहा है। तो ये तीन चार रीजन थे, मैंने पहले ही बता दिया कि नोटिस जो आ रहे हैं वो उस पर ध्यान रखो भाई, उसकी वजह से। मैंने कमेंट भी बताए हैं पहले, अभी एक बार देख लीजिए, ये कमेंट है कि कमेंट बताए हैं कि ये कमेंट कर रहा है लड़का कि सर ये फेक है, फेक नहीं है, रियल नोटिस है, जिन भाइयों ने भेजे हैं उनसे पूछिए उनको, आपको तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि प्राइवेसी की बात है, दूसरे व्यक्ति की नाम पता नहीं बता सकता, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो फेक नोटिस नहीं है ये, जरूर ध्यान रखिए। ये फेक नोटिस होते हैं तो उनके पास नहीं आते, वो मुझे नहीं भेजते, मैं बना के नहीं अपने आप बना रहा हूँ वीडियो कि मैंने उठाया लेटर बना दिया एसएससी भेज रहा, भाई 5 से 7 साल की वो बैन है। अब बताओ उनके लिए कि, मतलब कि वहाँ पर एक अपने लिए बोल रहे हैं कि अपना मत रख सकते हो, ऑफिस आके अपना मत रख सकते हो एसएससी में, तो भाई जो जिनके पास लेटर आया बताओ क्या मत रखेंगे अपने आप, मतलब ऑफिस में जाके कौन सा मत रखेंगे, जरूर ध्यान रखें। तो भाई कोई मत नहीं रखा जाएगा, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम और इंस्टा आईडी पे जाके वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।